हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दो अंक तथा तीन अंकों का गुना हम बिल्कुल फास्ट तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सब के सब आपको समझ में आएंगे। चलो हम ले लेते हैं, मानो कि पहला ले लेते हैं 45 और 65, ठीक है। और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दो अंकों वाले एकदम आसानी से आप कैसे गुना कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल, आप क्या कीजिए, सबसे पहले पहला से पहला में गुना कीजिए, 25, ठीक है। 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 25 का हो जाएगा 5 और कैरी जाएगा 2, यानी हासिल रहेगा 2, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्रॉस गुना करो, 5 से 4 में गुना करो तो 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबको ऐड कर लो, 30 20 50 हो जाएगा, 50 और 2 कितना हो जाएगा, 52, 52 का 2 कैरी गया, फिर 5। अब फिर आपको करना क्या, नीचे से ऊपर में गुना कर देना है, 6 चौक 24 और जो कैरी गया था 5 उसको जोड़ दो, तो 6 चौक 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया। ओके, नहीं समझ में आइए एक और ले देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 23 और 22 मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, बहुत आसान है, देख लो। 3 दुना 6 कर देना है, यहाँ 6 लिख दिया मैंने। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, 2 से 2 में गुना करो और 3 से 2 में गुना करो, तो 2 दुनी 4 और 3 दुनी 6, 6 और 4 कितना हुआ, 10, 10 का 0, ठीक है, हासिल गया 1, ठीक है। अब इसमें 2 से 2 में गुना कर दो नीचे, 2 दुनी 4 और 1 5, समझ में आ गया, ठीक है। तो दो अंकों वाले इस तरीके से गुना कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप बताइए 49 गुने में 46, इसका मल्टीप्लाई करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आइए अब हम आपको बताएंगे तीन अंकों वाली संख्या को हम कैसे गुना करते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम मान लेते हैं तीन अंकों वाली, मान लेते हैं कि 195, ओके राइट, और गुने में कि 115, ठीक है। अब हमको गुना करना है तीन अंक में, तो कैसे हम गुना करेंगे, सिंपल, 50 25 का 5 लिखिए और कैरी गया 2, हासिल 2 गया, ठीक है। अब आपको करना क्या, 9 से 5 में गुना करना है और 5 से 1 में गुना कर देना, तो 9 पचे 45 हुआ, अब 5 एकम 5, इन दोनों को जोड़ दो, 9 पचे 45 और 5 एकम 5, 45 और 5 कितना हो गया, 50, और जो हासिल गया था ये हो गया 52, 52 का 2, ठीक है, कैरी गया 5। अब आपको फिर क्या करना है, गुना ऐसे करना है, इस 5 से 1 में गुना करना है और इस 5 से 1 में गुना करना है, इस तरह से तिरछा गुना। देखिए 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो कितना हुआ, 5 5 10 हो गया, ठीक है। और फिर आपको ये बीच वाले को गुना कर देना है, 9 एकम 9, ठीक है। तो ये सबको ऐड कर दीजिए, जो हासिल दिए थे वो और कैरी, तो 5 हमारा कैरी बना था और ये जो 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 10 ये हुआ था और 9 एकम 9, इन सबको आप फिर आपस में जोड़ दो, तो ये 19 हो गया, 19 और 5 कितना हो गया, तो 19 और 5 आप कहोगे 24, 24 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और हासिल गया 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस 1 से 1 में गुना करना है और 9 से 1 में गुना करना है, ठीक है। तो 1 एकम 1 और 9 एकम 9, ठीक है, तो 9 और 1 10 हो गया, 10 और 2 12 के 2 हो गया और हासिल गया कितना, 1, ठीक है। अब फिर 1 एकम 1 1 हो गया और ये हासिल जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इतना आंसर। ओके, लगता है आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। आइए हम एक और ले लेते हैं और उसमें मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, गौर से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि 149 और 152, ठीक है। चलो 149 से गुना करते हैं 152 में, ठीक है। अब देखते रहो कैसे गुना करना है, ठीक है। देखो 9 दुनी 18 18 के 8 हुआ, हासिल गया 1, ठीक है। अब आपको करना क्या, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे 2 से 4 में गुना करो, 2 चौके 8 और 9 पचे 45, ठीक है। तो 2 चौके 8 और 9 पचे 45, तो 45 और 8 जोड़ो तो कितना होगा, 45 8 हो जाएगा 53, 53 और 1 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 54, 54 का कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और हासिल गया 5, ये कैरी हो गया, ठीक है। अब फिर आपको करना है कि जैसे कि इससे इसमें गुना किए थे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इससे इसमें, अब क्या करना है, फिर 2 से 1 में गुना करना है और 9 से 1 में गुना करना है, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 9 एकम 9, ठीक है, तो 2 एकम 2 हो गया और 9 एकम 9, तो अब जो 2 एकम 2 आया 9 एकम 9 आया, ठीक है, सबको आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और इस बीच वाले को भी 5 चौके 20 इसमें ऐड कर देंगे, ओके। तो 20 9 29 29
और दो कितना 29, 30 और एक 31 हो जाएगा, ठीक है। तो इस सबको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ओके। और ये जो 5 गया था कैरी यानी हासिल, उसको जोड़ देंगे तो 31 और 5 कितना हो जाएगा 36, 36 के 6 हासिल कितना गया हमारे पास, 3 गया, ठीक है। अब फिर आपको करना क्या, अब इस सेकेंड पार्ट में आना है, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, ठीक है। तो 5 एकम 5 हुआ, 4 एकम 4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9, और ये जो हासिल दिए थे वो, तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 के 2 हासिल गया 1, ठीक है। अब फिर आप इससे ऊपर में गुना कर देना, 1 एकम 1 1 2 हो जाएगा। तो इतना हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एक और मैं आपको लेकर के समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास लिया मैंने 905 और गुने में 672, कैसे गुना करेंगे, सिंपल, 5 दुनी 10 के 0, ठीक है, और कैरी गया 1, ठीक है, ये हासिल जुटता है, ठीक है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है, और 7 से 5 में गुना करेंगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। अब इन सबको आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो, ओके। तो चलिए हम ऐड कर देते हैं, 35 और 1 36, 36 के 6 हो गया और हासिल कितना गया हमारे पास, 3 हो गया, ओके। अब आपको करना क्या, इस 2 से 9 में गुना करना है और इस 5 से 6 में गुना करना है और इससे इससे गुना करना है, सबको आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो कैरी गया 3, इसको ध्यान रखना, 2 नमा 18 और 6 पंचे 30, ठीक है। तो 2 नमा 18 लिख लो इसमें और 6 पंचे 30 लिख लो इसमें, मैंने लिख दिया। अब बीच वाला जोड़ो, 7 से 0 में गुना करेंगे तो 0 यही जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 और 3 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 3 1 4 1 5 51, 51 के 1 हुआ और हासिल गया कितना, कैरी 5 गया, ओके। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें गुना और इससे इसमें गुना करना है, ठीक है। तो चलो हम गुना कर लेते हैं, 7 नमा 63, ओके, 7 नमा 63, 6 से 0 में गुना किए तो 0 ही होगा, है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 63 और 5 कितना हो गया 68, 68 के 8 हासिल कितना गया 6 गया, ओके। अब इसमें गुना कर देंगे, 9 6 54, 54 6 60, ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि दोस्तों ये समझ गए होंगे 2 अंक और 3 अंक वाले गुने, और आप ट्राई करेंगे घर पे।